सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। मुशहरी थाना क्षेत्र के तरौरा बंगरी पुल के निकट कपड़ा व्यवसायी मुख्तार से बाइक सवार तीन बदमाशों ने मारपीट कर 20,000 रुपए व मोबाइल लूट ली। लूटपाट के बाद बाइक से भागते हुए बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में दोनों हाथ में लिए पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रोहुआहाट के निकट पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो बदमाश व दो ग्रामीण घायल हुए। बदमाशों के पास से दो बम, चार पिस्तौल व एक बाइक बरामद की गई। बदमाशों की ओर से लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई। घायल दोनों ग्रामीणों व बदमाशों को मुशहरी CHC में भर्ती कराया गया, जहां से चारों को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक ने SKIMS CH रेफर कर दिया। लूटपाट के शिकार कपड़ा व्यवसायी मुख्तार का भी इलाज CHC में कराया गया। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। इंतजार कर रहे थे, उसको इंतजार कर रहे थे आने के लिए, और उसके बाद उधर से आया थी कोई, मतलब गुंडा उंडा था उसको मारने के लिए पुलिस, और दो चार गोली चलने लगा, उसके बाद हमको गोली लगा और कहीं कहीं चला, हम हट गए वहाँ से। तो पुलिस की गोली आपको लगा है कि दूसरे अपराधी को? पुलिस की गोली से लग गया। और कभी कोई जख्मी हुआ है उधर? वो हमारे साथ, मतलब पीछे में उनको भी लगा है। आपका क्या नाम? राहुल कुमार। पिता? नंदन साहब। घर कहाँ हुआ? माना थाना दसरी। तो सारी यहाँ दीदी का नाम है रहुआ। क्या नाम है जिया जी का? बीघन साहब। क्या करते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? पढ़ाई। कौन क्लास? BSc। कौन कॉलेज? कॉलेज RN कॉलेज हाजीपुर है, यहाँ कोचिंग करते हैं। RN कॉलेज। मुजफ्फरपुर में मुशहरी थाना क्षेत्र में कुछ क्रिमिनल्स मार्केट में थे, पुलिस की टीम वहां पर थी, उन लोगों ने अंधाधुंध फायर किया। जवाब में SHO मुशहरी और वहां के ASI बाकी अन्य QRT की टीम्स ने उन्हें DSP साहब के साथ में वहां पे मौके पे उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसमें पुलिस की साइड से फायरिंग की गई, इसमें दो क्रिमिनल्स को फायर इंजरी हुई है और उनको हॉस्पिटल लाया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, कितने पुलिसकर्मी जख्मी हैं? इसमें कोई पुलिस की साइड से किसी को कोई चोट नहीं आई है अभी तक के। दो क्रिमिनल्स को गोली लगी है और इसको जो है अभी हॉस्पिटल लाया गया है। अभी पहले का रिकॉर्ड होगा सर? अभी तक के कुछ इस बारे में रिकॉर्ड निकाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और फिर जिससे आगे पता लगेगा। सर, क्रिमिनल को हथौड़ी थाना क्षेत्र का बताता है और दूसरा जो है अहियापुर का बताता है। इन लोगों के स्टेटमेंट, जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है, ये लोग लूटपाट के इरादे से वहाँ गए थे और वहाँ पर मौजूद पुलिस के साथ में इनका फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें जो है इन लोगों को फायरिंग हुई।